नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी और छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन की डोर धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान मिली हार के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा था निशाना। अब अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल राजनीति पीछे से ऑपरेट हो रही है। कई बार पीछे से ऑपरेट होने के चलते लोग बयान देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घर से निकलने की सलाह दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कुछ दूरियां जरूर बढ़ गई है। साथ ही अखिलेश यादव ने मायावती के ऊपर भी कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, लेकिन मैं तो सुना था कि बहुजन समाज पार्टी से कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा और आने वाले दिन में भारत का एक राष्ट्रपति बहुजन समाज पार्टी से होगा। इस तरह यह देखा जाए तो अखिलेश यादव का मायावती के ऊपर तंज है। आइए हम आपको अखिलेश यादव के उस बयान को सुनाते हैं। ये शिकायत व्यक्तिगत है, मैं इसको दूर करूंगा। ये शिकायत व्यक्तिगत है, दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ। कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है, लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारे पास वो नोटिस आ जाएगा उसका जवाब दे देंगे। कुछ पता नहीं, आज के समय में कुछ पता नहीं। कुछ बोलना भी खराब है। अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो रहा है भाई। बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म हो गया राष्ट्रपति वाला।